Hello students, welcome to Eastern Public School YouTube channel. Today we are going to talk Civics chapter number 2nd, standard 7th, lecture number 2. मैं दूसरे लेक्चर में अब बात करूंगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इससे पहले मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर जो हमारा सेकंड है इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, इससे पहले मैंने आपको बताया कि विजिलेंट सिटीजन क्या है, सिटीजन को कैसे जागरूक होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है। इसके अलावा मैंने आपको कहा कि हमारा डेमोक्रेसी में कैसे हमारा विश्वास बढ़ सकता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मताधिकार। आपको पता है दुनिया के जिन भी देशों में डेमोक्रेटिक सिस्टम है वहां पर जनता अपनी इच्छा के अनुसार अपने सरकार को चुनती है। सरकार मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है। उनका प्रतिनिधि कौन होगा, उनका एमपी कौन होगा, उनका एमएलए कौन होगा, उनका मुखिया कौन होगा, वो खुद तय करती है। इसको तय करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में नियम बनाया गया है कि कौन वोट कर सकता है, किन्हें चुनने का अधिकार है। आपको पता है पहले जब कॉलोनियल रूल था उस जमाने में सभी लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलता था। उस जमाने में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, सेक्स के आधार पर, इसके अलावा प्रॉपर्टी के आधार पर लोगों को मत देने का अधिकार प्राप्त होता था। लेकिन अभी हम लोग इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं हमारे भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नियम बना हुआ है हमारे संविधान के आर्टिकल 326 में इस बात को साफ साफ लिख दिया गया है, वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो जिनकी आयु 18 वर्ष हो गए हो उनको मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। दुनिया के अलग अलग देशों में वोट करने का जो अधिकार है वह अलग अलग उम्र में तय की गई है। जैसे नॉर्वे, वहां पर 23 ईयर्स है। इस तरह से दुनिया के अलग अलग देश जहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है वहां पर लोगों को वोट डालने का जो अधिकार है वह अलग अलग उम्र सीमा में निर्धारित की गई है। लेकिन हम लोग भारत के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार, एक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है अगर वह 18 वर्ष के उम्र तक हो जाता है, जब वह 18 वर्ष पूरा कर लेता है उसको भारतीय नागरिक होने के नाते मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप जरा गौर से देखेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया के अन्य रूलिंग सिस्टम में, मैं बार बार कर रहा हूं, रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, दुनिया के अन्य रूलिंग सिस्टम में आपको ऐसा अधिकार नहीं मिलता है, वोट डालने का हक नहीं होता है। लेकिन आपको याद रखना है जिस भी देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा वहां लोगों को वोट करने का अधिकार जरूर होगा। लेकिन एक बार और भी याद रखना है कि जहां पर वोट करने का अधिकार है वह देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने क्या कहा, जहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा वहां पर लोगों को मताधिकार जरूर प्राप्त होता है, लेकिन जहां पर मताधिकार प्राप्त होता है वहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में जो 18 वर्ष की आयु को पूरा कर लेता है, जो भारतीय नागरिक है उसे अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो किसी भी चुनाव में भाग ले सकता है। और चुनाव कैसे होता है, चुनाव क्या है, इसके बारे में बात करने से पहले मैं अब बात करने वाला हूं इंपॉर्टेंस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। जो ये मताधिकार का प्रयोग है ये हम लोग जो करते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या महत्ता है, मैं आपको बताऊं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करने का काम हम जनता करते हैं, जो वोटर्स होते हैं वो करते हैं। इसलिए वोटर्स को जो अधिकार मिला हुआ है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनना, ये उनके हाथों में होता है। वो कैसे व्यक्ति को चुनेंगे, कौन हमारा प्रतिनिधि करेगा, कौन हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, कौन हमारा प्रतिनिधि होगा, कौन हमारा एमपी होगा,
जरूर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कि आपको मैं बताऊं, डेमोक्रेटिक सिस्टम में चुनाव कौन लड़ेगा, इसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया जरूर तय की गई है, लेकिन किसी प्रकार के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को नहीं दर्शाया गया है। लेकिन आपको और हमें याद रखने की जरूरत है, आज जो जमाना है, बिना शिक्षा के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब हम लोग वोट करें, एजुकेटेड लोगों को वोट करें, जो शिक्षित हो, जो ईमानदार हो, जो सेकुलर हो, जो किसी खास जाति धर्म समुदाय की तरफ झुका हुआ नहीं हो। क्योंकि आप देखते हैं कि अक्सर जो चुनाव जब होती है, उस समय लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर चुनाव में वोट मांगते हैं और हम लोग उस आधार पर वोट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र में एक जो मत देने का अधिकार प्राप्त है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि लोकतंत्र तब मजबूत ज्यादा होगा जब हम लोग अपने मत का प्रयोग सही रूप से करेंगे। सही मत प्रयोग करने का मतलब बटन ईवीएम सही से दबाना नहीं है। मत का सही प्रयोग करने का मतलब है कि हमें सही कैंडिडेट को, सही उम्मीदवार को चुनना, वो शिक्षित हो, वो राष्ट्रवादी हो, वो हमारे देश के बारे में सोचता हो, वो ईमानदार हो, किसी खास जाति धर्म संप्रदाय की तरफ झुका हुआ उनका लगाव नहीं हो, वो सभी को बराबर समझता हो, ऐसे लोगों को चुने। लेकिन हम लोग ऐसे लोगों को नहीं चुनते हैं। ऐसी स्थिति में जो ये एडल्ट फ्रेंचाइज है, इसका जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम, जब हम अपने उम्मीदवार को चुने, अपने प्रतिनिधि को चुने, उस वक्त इन महत्वपूर्ण चीजों को जरूर याद रखें, ताकि हमारा जो प्रतिनिधि हो वो विकासशील हो, हमारे देश के, हमारे समाज के, हमारे राज्य के विकास में सहयोग कर सके। इसीलिए ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा हो, बेहतर हो। इसलिए जब वोट करने का आपको अधिकार मिला है, इसका सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है और एडल्ट फ्रेंचाइज का इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन हम लोग वोट कब करते हैं, कैसे करते हैं, किसी भी व्यक्ति का जब उम्र 18 वर्ष हो जाता है, क्या खुद बखुद वो वोटर बन जाता है, इन तमाम चीजों के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है इलेक्शन, जिसका मतलब होता है चुनाव। आपको पता है दुनिया के जितने देशों में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहां पर इलेक्शन जरूर होता है, और इलेक्शन जो है वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हैं लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, इसके बेहतरी के लिए चुनाव का होना बहुत ही आवश्यक है, और चुनाव में लोगों का भाग लेना यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि दुनिया के अलग अलग भागों में जो चुनाव होता है वो एक जैसा नहीं होता है। अलग अलग देशों में जहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहां पर भी सभी डेमोक्रेटिक सिस्टम वाले देशों में एक तरह से चुनाव नहीं होता है। हमारे देश के चुनाव होने का तरीका, अमेरिका, ब्रिटेन जहां पर भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहां पर जो चुनाव होती है उसमें काफी अंतर होता है। उन सभी टॉपिक के बारे में, उन तमाम चीजों के बारे में हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा जो इलेक्शन होता है यह दो तरह से होता है। एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। आपको समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है जिसमें जनता सीधे अपने मत का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधि को चुनती है, उसे वोट के जरिए से चुनने का काम करती है। लेकिन जब इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसको हम लोग अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, उस अप्रत्यक्ष चुनाव में जनता जो है उसका कोई रोल नहीं होता है, बल्कि उसको चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। इलेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि नॉमिनेट किया जाता है। नॉमिनेट और इलेक्ट, ये दो अलग अलग वर्ड है, दोनों का मतलब भी अलग अलग है। क्योंकि इलेक्ट करने का मतलब है चुनना, और जब चुना जाएगा उसको वोट के जरिए चुना जाएगा। लेकिन नॉमिनेट जब किया जाता है, उस समय कोई चुनाव नहीं होती है, और जब चुनाव जब होती भी है, उसमें जनता का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने समझा होगा कि इलेक्शन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। हमारे देश में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के चुनाव होते हैं, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से इस टॉपिक में डायरेक्ट इलेक्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में डायरेक्ट इलेक्शन का ज्यादा महत्व होता है। चुनाव कैसे होता है, आपको पता है हमारे देश में चुनाव कराने के लिए एक स्वतंत्र संस्था है, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, जो चुनाव करवाने का काम करती है। हमारे देश में कई तरह के चुनाव होते हैं, कभी आप देखते हैं हर 5 साल पे एमपी का चुनाव होता है, जिसको आम चुनाव
पंचायती राज सिस्टम, इसका भी चुनाव होता है, जिसमें गांव में मुखिया का चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव होता है, वार्ड सदस्य का चुनाव होता है, जो शहरी इलाके हैं वहां पर भी नगर परिषद, नगर निगम, इन तमाम प्रकार के चुनावों को करवाने का काम हमारे देश में एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कौन है, भारतीय निर्वाचन आयोग, जो समय समय पर इन चुनावों को संपन्न करवाने का काम करती है। तो हम लोग समझेंगे कि चुनाव होता कैसे है। चुनाव होने के लिए इसके कई तरह के क्राइटेरिया हैं, कई तरह के रूल्स हैं जिसको फॉलो करना होता है। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, ये जो चुनाव होता है कई लेवल पे होता है। आपको पता है कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट चलती है वो मुख्य रूप से तीन लेवल पे चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। जैसे हम लोग बात करेंगे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, लोकसभा चुनाव होता है। लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होती है वो सरकार बनाती, कैसे बहुमत मिलता है हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। तो मैं आपको बताऊं, जब चुनाव होता है तो सबसे पहले भारतीय निर्वाचन आयोग क्या करती है, मैंने आपको पहले भी कहा, जो व्यक्ति भारतीय नागरिक होता है, जिनकी उम्र 18 वर्ष तक हो जाती है, उनको भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा उसके नाम को वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाता है। और हर क्षेत्र का वोटर लिस्ट अलग अलग होता है, और जब वोटर लिस्ट में आपका नाम जोड़ दिया जाता है उसके बाद भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा आपको एक पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाता है। अभी तो हमारे संविधान के अनुसार कोई भी पहचान, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वोटर आईडी हो, पैन कार्ड हो, कोई भी पहचान जिससे ये पहचान हो सके कि आप भारतीय नागरिक हैं, तो आपको वोट डालने का हक मिल जाता है। तो सबसे पहले वोटर लिस्ट तैयार किया जाता है, फिर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चुनाव के आधार पर, अगर लोकसभा का चुनाव है तो लोकसभा का जो क्षेत्र होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, उसको बांटा जाता है। जैसा कि आपको पता है हमारे देश में लोकसभा के टोटल 543 सीट्स हैं, ये 543 लोकसभा के सीट्स हैं, इन सभी सीटों को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। जैसे बिहार है, यहाँ पर 40 लोकसभा सीट है, उत्तर प्रदेश है, वहां पर 80 है, ठीक उसी तरह से हिंदुस्तान के जो 28 स्टेट और 9 नेशनल टेरिटरीज है, इन सभी जगहों पर लोकसभा के आधार पर, क्षेत्रों के आधार पर उनको बांटा गया है, और उन क्षेत्रों में वहां पे रहने वाले जो नागरिक हैं, वहां के जो लोग हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम को नॉमिनेट किया जाता है, नाम को दर्ज करवाया जाता है, और ऐसे लोगों को वोट करने का अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन ये इलेक्शन होता कैसे है, आपको मैं बताऊं, जब भी कोई चुनाव होता है सबसे पहले जो निर्वाचन आयोग होती है वो अधिसूचना जारी करती है। अधिसूचना जारी करने के बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो चुनाव में पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी घर के लिए जिस तरह से 4 पिलर जरूरी है, ठीक उसी तरह से डेमोक्रेसी के जो 4 पिलर है उसमें पॉलिटिकल पार्टी जो है चौथा और महत्वपूर्ण पिलर है। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्क्राइब भी बात करेंगे, लेकिन हम लोग अभी इलेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, अधिसूचना जारी होने के बाद जो अलग अलग पार्टी के लोग होते हैं, वो जिनको इच्छा हो वो अपना सैंपल लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से उन क्षेत्रों में अपना नॉमिनेशन देते हैं। नॉमिनेशन देने के बाद एक तारीख तय की जाती है इलेक्शन का, उन डेट पे इलेक्शन होती है, और जो लोग 18 वर्ष पूरा कर लेते हैं, जिनका नाम भारतीय निर्वाचन आयोग के वोटर लिस्ट में दर्ज होता है, उनको मत देने का अधिकार होता है। हम जाते हैं अलग अलग पोलिंग बूथ पे, वोट करते हैं, और जिनको सबसे ज्यादा अधिक मत प्राप्त होता है वह चुनाव में विजय घोषित होता है। मैं आपको बताऊं, चुनाव में कोई भी भाग ले सकता है। चुनाव में कोई भी भाग लेने का मतलब क्या है, जो भारतीय नागरिक हो, जिनकी आयु सीमा अलग अलग चुनाव में अलग अलग तय की गई है। जैसे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 ईयर्स कम से कम आपका होना चाहिए। जब आप 25 वर्ष के हो जाते हैं, जरूरी नहीं है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से या किसी पॉलिटिकल पार्टीज के सैंपल पर ही चुनाव लड़े। हमारा संविधान क्या कहता है कि आप इंडिपेंडेंट आजाद उम्मीदवार के रूप में, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भी चुनाव लड़ सकते हैं, और जनता के पास भी अधिकार होता है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा जितने भी कैंडिडेट हैं, जो उनको पसंद आए उनको वो पसंद करे, उनको वो वोट करे, और जिनको सबसे ज्यादा मत प्राप्त होगा वो चुनाव में विजयी होगा। मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हुआ आपके क्षेत्र में, और लोकसभा के चुनाव में 10 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ा, और उन
वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, उनका क्या रोल है, गवर्नमेंट कैसे बनती है, क्या क्या गवर्नमेंट के पार्ट है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, एवरीथिंग।